गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बी एड फर्स्ट ईयर सेशन 2019-2021 पेपर टू सी टू यूनिट 4 एजुकेशनल थिंकर्स लेक्चर 18 क्वेश्चन ज्ञान देवी के शैक्षिक विचारों का वर्णन करें। ज्ञान देवी 20वीं सदी के एक महान दार्शनिक शिक्षा शास्त्री प्रयोजनवादी शिक्षा दार्शनिक हैं जिनका जन्म अमेरिका में वर्मोंट के बर्लिंगटन नामक नगर में 1859 ईस्वी में हुआ था और इनकी अधिकांश शिक्षा वर्मोंट एवं हॉपकिंस विश्वविद्यालयों में प्राप्त हुई। इसके उपरांत अनेक विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक पद को सुशोभित करते हुए 1952 ईस्वी में इन्होंने स्वर्गारोहण किए। दार्शनिक विचार प्रयोग की कसौटी पर जो सिद्धांत खड़े उतरते हैं वे ही सत्य हैं। वर्तमान और भविष्य महत्वपूर्ण है। तीसरा देश काल और परिस्थिति के अनुसार मूल्य बदलते रहते हैं। चौथा विचार की अपेक्षा क्रिया अधिक महत्वपूर्ण होती है। पांचवा कोई अंतिम सत्य नहीं है क्योंकि मूल्य बदलते हैं उसके साथ साथ सत्य भी बदलते रहते हैं। प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है जिसमें हम रहते हैं जिस जगत को अपनी आंखों से देखते हैं वही जगत सही है। परलोक कहीं नहीं है कभी नहीं रहा। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ है शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण के माध्यम से जीने की क्रिया है। यह व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास है जो उसे अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने हेतु समर्थ बनाता है। शिक्षा के उद्देश्य शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं इनके अनुसार जैसे एक नंबर में क्रिया द्वारा सीखने पर ये बल देते हैं। ये बालकों में सार्वभौमिक चेतना उत्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। बालकों की शक्तियों का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य बालक में सामाजिक चेतना उत्पन्न करना। अब है डीवी की शिक्षा योजना 3 भाग में इन्होंने विभाजित किया है। खेल का काल 4 से 8 वर्ष स्वयं स्फूर्त अवधान काल 8 से 12 वर्ष वैचारिक अवधान का काल इसमें जो है बच्चों के समक्ष समस्याएं आती हैं और उनका भी समाधान ढूंढते हैं। उसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में इन्होंने करके सीखना बच्चे कार्य करके सीखेंगे क्योंकि वह उससे जो सीखेंगे वह उनके मन मस्तिष्क पर अमिट छाप बनाए रहेगी। दूसरा है समस्या समाधान पद्धति। तीसरा है निरीक्षण विधि। चौथा है क्रियाशील विधि। पांचवा है खेल विधि और छठा है प्रोजेक्ट विधि। विद्यालय इनके अनुसार विद्यालय आदर्श समाज का लघु रूप होना चाहिए जिसमें खेल तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। घर जैसा वातावरण वहां मिलना चाहिए। अनुशासन जनतंत्रीय अनुशासन और स्वयं शासन के ये पक्षधर हैं। बच्चे स्वयं अनुशासन सीखेंगे अपने से बड़ों के द्वारा किए गए कार्य को देखकर ही सीखते हैं। शिक्षक छात्रों का मित्र है दार्शनिक है और मार्गदर्शक है। वह कोई डायरेक्टर निदेशक नहीं है। बालक की रुचियों का शिक्षक को ज्ञाता होना चाहिए। समाज की बदलती परिस्थितियों का बोध
प्राप्त होना चाहिए। आलोचना प्रयोजनवादी इस प्रयोजनवादी विचारक होने के चलते इनकी विचारधारा पूर्णतः प्रयोजनवादी है, जिसकी आलोचना आदर्शवादी यथार्थवादी दार्शनिक करते रहे हैं। जीवन के आदर्श या मूल्य पूर्व निश्चित होते हैं यह प्रमाणित हो चुका है, लेकिन यह बताता है यह बतलाते हैं कि जीवन के आदर्श या मूल्य सतत बदलते रहते हैं। सत्य अस्थायी और अपरिवर्तनशील है, जबकि डीवी इसे परिवर्तनशील मानते हैं। फूल फूल ही रहेगा, चाहे उसका हम हमारे लिए कोई उपयोग नहीं हो। कांटा कांटा ही रहेगा, चाहे उसका लाख उपयोग हम क्यों ना निकाल लें। यदि सब कुछ प्रयोजनवादी ही है तो फिर हमारे जितने नैतिक मूल्य हैं, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं, वे हमेशा के लिए खंडहर में दफना दिए जाएंगे। हमारी जो संस्कृति है, हमारे पूर्वजों के जो अनुभव हैं, उनका तो कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। सरब पूनम की सुनिधि छपा में चांदनी रात में किसी सरोवर या झील या नदी के किनारे अपनी प्रेयसी के पास बैठकर जिस नैसर्गिक सुख की प्राप्ति व्यक्ति को हो सकती है, वह शायद नोटों के पीछे नोटों के बंडल के पीछे घूमने से कदापि नहीं। विषयों का सहसंबंध भी इनका जो इनकी विचारधारा है वह भी दोषपूर्ण है, क्योंकि व्यावहारिक धरातल पर सभी विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ा लेना यह मुमकिन कार्य नहीं है। इसके लिए काफी प्रशिक्षित और अनुभवी तथा व्यवहार कुशल शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी। इन्होंने परलोक के बारे में कह दिया है कि नहीं, परलोक वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारे वेद शास्त्र पुराण ये सब कहते हैं कि नहीं, परलोक है, क्योंकि आत्मा ईश्वर से ही निकलती है और पुनः जाकर ईश्वर में ही विलीन हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि नहीं, परलोक नहीं होता है, हम बहुत सारे कार्य नैतिक कार्य धार्मिक कार्य परलोक के डर से भी करते हैं। तो अगर यह विचार हटा दिया जाए परलोक, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बच पाएगा। इसीलिए लोक परलोक की बात हमारे सारे वेद उपनिषद ठीक है कि यह लोक और परलोक दोनों का जिक्र वेद पुराण में आया है। यह लोक जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम अपना सारा कार्य कलाप करते हैं, परलोक जिसके बारे में हम सुनते हैं पढ़ते हैं परंतु देखते नहीं है अनुभव नहीं करते हैं। तो हम लोगों को यही जो है जान देवी के विचार के बारे में पढ़ना है, लेकिन इस चौथी इकाई में दो पाठ है, भारतीय विचारक और पाश्चात्य विचारक। तो पाश्चात्य विचारक में छह है, जिसमें से तीन हमने पढ़ा दिया, फ्रॉवेल, मारिया मॉन्टेसरी और जान देवी। अब भारतीय विचारक जो हैं, उनमें से महात्मा गांधी एक ठो हुआ है, एक ठो विनोबा भावे और एक डॉक्टर अरविंद घोष, ये दो ठो हम बता देंगे। तो हमारी चौथी इकाई